हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं UPSI का GK के लिए थर्ड वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने में। ये भी 30 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? जो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है वो कब पड़ा था? तो वो पड़ा था आपको 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण हुआ था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में तांबा ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 22% कृषि योग्य भूमि है पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्य उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? तो संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्य पदार्थ उत्तर प्रदेश सिर्फ क्या करता है? उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो उत्तर प्रदेश को लगभग कृषि द्वारा 68% आय होती है। कितनी परसेंट आय होती है? 68% आय होती है कृषि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में पाया जाता है। कहाँ? बांदा ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में हीरे किस जिले से निकाला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हीरे बांदा जिले से ही निकाला जाता है, जहाँ पे अभी से पहले क्वेश्चन में पढ़े थे ये कि रॉक फॉस्फोरस भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल व काली मिट्टी का जो मिश्रण होता है, मिश्रित अवस्था जो लाल और काली मिट्टी की, वो सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में जो चावल उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश का उसमें कौन सा स्थान? तो उत्तर प्रदेश का उसमें स्थान द्वितीय। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो सरसों की उपज रबी फसल में, रबी टाइम में, मतलब गेहूं के टाइम में, यानी नवंबर में बोया जाता है और मार्च के आसपास काट लिया जाता है, उसको रबी फसल कहा जाता है। तो रबी के फसल के टाइम में बोया जाता है सरसों का फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो तंबाकू जो कृषि है उत्पादन में खाने और हुक्का हेतु किया जाता है। हुक्का में डाल के लोग मतलब उसको पीते हैं और खाने के लिए हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है गन्ना की दृष्टि से प्रथम है। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस संसाधन द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है कुएं नलकूप के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कुएं और नलकूप के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो गोकुल बैराज का जो निर्माण है दिसंबर 1990 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। कौन सी है? शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो बेतवा नदी पे है। किस पे है? बेतवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था? तो गाजीपुर के, किसके लिए? गाजीपुर। किस? तो गाजीपुर के लिए सिंचाई की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपको बता दें 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश के कुल सिंचाई भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा संचित है? तो 30%। कितने परसेंट है? 30%। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचाई भूमि का कितना परसेंट नहरों द्वारा संचित है? तो 30% नहरों द्वारा संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो यमुना नदी से निकाली गई। किस से निकाली गई है? यमुना नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो संपूर्ण देश में द्वितीय स्थान है किसका? उत्तर प्रदेश का, विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई, कब की गई थी? तो 1948 में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिषद की स्थापना 1952 में, कब की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश में वनों की प्रादेशिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को वनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वनों को प्रादेशिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था? यानी आरंभ कब हुआ था उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया? तो वो कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800 ईस्वी से ही वन संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो कत्था जो आप लोग पान में देखते हो रेड कलर का जो मिलाया जाता है कत्था, वो जो है खैर के पेड़ से मिलता है। किसके पेड़ से? खैर के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो आपको बता दें बांदा जिले में स्थित है। किस जगह? चंपारण राष्ट्रीय अभयारण्य जो है बांदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है। कौन सा है? हथकरघा उद्योग बृहत्तम माने बहुत बड़ा, माने कि जो घरेलू उद्योग है उसमें बृहत्तम उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।